जमीन घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ से राहत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी। उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग करेंगे। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, सुनिए। अरे सुप्रीम कोर्ट तो ये गए हैं, इसलिए गए कि उनको कोई पूछताछ नहीं करे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। जब ये कोई गड़बड़ ही नहीं किया है तो फिर डर किस बात की है मुख्यमंत्री जी को? डर तो तब होता है जब कोई गड़बड़ किया रहते हैं। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने कोई गड़बड़ ही नहीं किए हैं तो फिर डर किस बात की है? तो उनको जो सम्मान किया है, क्या कहते हैं, उनको सम्मान किया है तो उनको हाजिर होना चाहिए और जाकर के अपनी जवाब दे देना चाहिए, बता देना चाहिए भाई क्या है, मुख्यमंत्री क्यों छुपा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जिस प्रकार से वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, इसे तो लगता है कि मामला गड़बड़ है। उनका कहना है कि जो समन जारी किया जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री का जिक्र किया जा रहा है, उनका कहना है कि उनके जगह पे हेमंत सोरेन का जिक्र होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री देखिए आज तो मुख्यमंत्री है ना भाई, हेमंत सोरेन माने करने की कोशिश की जा रही है। अरे आज के तारीख में तो मुख्यमंत्री है ना वो, हेमंत सोरेन तो गए थे, हेमंत सोरेन ही नहीं मुख्यमंत्री। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।